हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं, खुश हैं और हेल्दी हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम लेडीज़ पैंट या ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है, तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करेंगे, सिंपल पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग से स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है हम इस वीडियो में कुछ गलतियों को कवर करेंगे जो बिगनर्स जनरली कर लेते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जहाँ हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है ड्राफ्टिंग के टाइम पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप अपने मेजरमेंट्स लिखेंगे, जिस भी चीज़ को आप बना रहे हैं, जिसके लिए भी आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। जैसे कि हम पैंट या ट्राउजर के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने सारे मेजरमेंट्स लिख लेंगे। तो पैंट के लिए हमें क्या मेजरमेंट्स चाहिए? सबसे पहले तो लेंथ चाहिए। आप जिनके लिए भी बना रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो फुल लेंथ चाहते हैं, अब जैसे एंकल चाहते हैं या हाई एंकल चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने लेंथ लिख लेनी है। देन उनकी वेस्ट लिखनी है, कमर का माप लिखना है आपने, हिप मेजरमेंट लिखना है। हिप मेजरमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसी के बेस पर हमारे आगे कुछ और मेजरमेंट्स होते हैं जो कि हम इसी के बेस पर निकालते हैं। तो हिप मेजरमेंट लिख लेना है। फिर नी यानी कि घुटना, घुटने का मेजरमेंट आपने लिख लेना है। घुटने का मेजरमेंट जो है आपने बिल्कुल टाइट नहीं लेना है, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से लेना है। अब जैसे कि ये घुटना है, ऐसे स्ट्रेट, अगर आपने ऐसे स्ट्रेट लिया, जैसे स्ट्रेट में 14 आ रहा है, तो आपने ऐसे नहीं लेना है, आपने फोल्ड करना है नी को। फोल्ड करने के बाद ऐसे लूज है ना, तो इतना आपने लेना है। तो इतना जितना भी है, जैसे हमारे केस में ये 17 इंच आया है, तो हमने ये लिख लेना है। देन मोरी, मोरी भी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हैं। जनरली ये 6 इंचेस रहती है, जो थोड़ी नैरो मोरी पहनना चाहते हैं, और 7 इंचेस उससे थोड़ी लूज। इसके ऊपर फिर तब जाती है जब कोई हेल्दी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी, 44 हो गया, 45 44 से भी ज़्यादा अगर साइज़ है, तब वो इससे ज़्यादा बना लेते हैं। देन थाई का नाप चाहिए आपको। थाई बिल्कुल जहाँ से थाई हमारी कमर के बाद शुरू होती है, वहीं से हमने इसका मेजरमेंट लेना है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद के जो दो मेजरमेंट हैं वो क्रॉच विड्थ और क्रॉच लेंथ के हैं हमारे। अब यहाँ ये जो है ये हमारे हिप मेजरमेंट से ही निकलते हैं, ठीक है? तो ये मैं आपको साथ साथ बता दूंगी जब हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। जैसे कि विड्थ लेनी है तो हम हिप साइज जो है हमारा उसी को हम 4 से डिवाइड करते हैं, देन उसमें हम अपना मार्जिन जो भी हमने लेना है वो ऐड करते हैं। ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ऐसे ही लेंथ जो है, लेंथ भी वेरी करती है कि आप बेल्ट वाली बना रहे हैं, बिना बेल्ट वाली बना रहे हैं, तो आपने कितना ऐड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने फैब्रिक ले लिया है, इसको मैंने 2 फोल्ड्स में बिछाया है। ये देखिए, ये ओपन साइड मेरी तरफ है, ये उधर क्लोज साइड है। तो ओपन वाली साइड से हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपने स्टार्ट करना है तो आप सबसे पहले सिंपल चीज़ से स्टार्ट करिए। हम जो है इसको बिल्कुल सिंपल बनाएंगे। इसमें हम फुल इलास्टिक, मतलब पूरा घेरा जो हमारा ऊपर आता है, हम फुल इलास्टिक वाली बना रहे हैं। हम पहले वो सीखेंगे, उसके बाद हम आएंगे कि बेल्ट कैसे बनती है या मोरी में डिज़ाइन कैसे आता है, बेल्ट में प्लेट्स कैसे डलनी है या पॉकेट लगानी है। अब पहले स्टार्टिंग से ही अगर आप सब चीज़ें लेंगे कि जी पॉकेट भी लगानी है मुझे, ये मोरी के डिज़ाइन भी बनाने हैं, तो फिर कई बार मिस्टेक हो सकती है। तो पहले सिंपल सीखिए, सीखने के बाद आपको पता चलेगा कि कहाँ मैं गलतियाँ कर रही हूँ या कहाँ मेरी कमियाँ हैं, उसे कवर करके फिर आप आगे और चीज़ों में जाइए। तो चलिए सबसे पहले हम, अब क्योंकि इसको फुल हम इलास्टिक में बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर पहले सबसे ऊपर फोल्डिंग का निशान लगाएंगे जहाँ पे हमारी इलास्टिक डलेगी। तो ये मैं 2 इंच में लगा रही हूँ। अब ये भी जो है डिपेंड करता है किस पर, कि आप कितने इंच की जो है यहाँ पर इलास्टिक डाल रहे हैं। अगर आप 1 इंच की इलास्टिक डाल रहे हैं तो आधा इंच ऐड करके 1.5 इंच लीजिए। अगर आप 1.5 इंच की इलास्टिक डाल रहे हैं तो उसमें आप आधा इंच ऐड करके 2 इंचेस यहाँ पर लीजिए, ठीक है? तो मतलब सिंपली जितनी इलास्टिक चौड़ी डालनी है आधा इंच ऐड करना है, ये हमारा ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है जी? तो ये जो मार्क है हम इसको सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, हमने यहाँ से विड्थ लगानी है कि हमारी कितनी विड्थ आएगी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया ना हिप मेजरमेंट। हिप मेजरमेंट हमारा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के बेस पर हम इसकी विड्थ और इसकी जो लेंथ है वो हम निकालते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? अब हमारा 38 जैसे कि था, हिप साइज 38 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। अब यहाँ क्वेश्चन आपके मन में क्वेश्चन ज़रूर होने चाहिए जब आप स्टार्ट करते हो कि क्यों। जैसे कि मैंने इलास्टिक का बताया कि यहाँ पे 2 इंचेस क्यों रखा रहे हैं, इलास्टिक की वजह से। अब हिप मेजरमेंट 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हम ये जो पल्ले कट कर रहे हैं ये 4 पार्ट्स में कट करेंगे। ये देखिए, ये 2 फ्रंट के आएंगे, इसके बाद हम 2 बैक के आएंगे, 4 हो गए, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9.5। 9.5 हम लेंगे यहाँ से और उसमें हम ऐड करेंगे 1 इसमें मार्जिन का जो कि हमारा लूजिंग के लिए आएगा। तो हमारा हो गया 10.5। तो हमने 10.5 से यहाँ मार्क लगा लेना है, ठीक है जी? ये हमारी होगी क्रॉच की विड्थ या आसन की विड्थ। अब यहाँ से हमने नीचे, अब ये लंबाई कितनी लेनी है ये भी हमारी इसी पे डिपेंड करती है, हिप साइज से। अब वही हम 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 9.5 आया। 9.5 में अब कितना ऐड करना है?
जी अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, मैंने अब कंफ्यूज नहीं होना, हमने देखना है कि क्या बना रहे हैं। अब जैसे यहाँ है, अब यहाँ पर हमने जो है इकट्ठा ही बना रहे हैं इसको, यहाँ पे हम बेल्ट तो लगा नहीं रहे हैं, अब यहाँ पे बेल्ट का भी ऐड करेंगे ना हम। तो हमने क्या करना है कि इसके अंदर हम 9.5 आया हमारा, उसके बाद हमने आसन का ऐड करना है बेल्ट को भी मिलाते हुए, ठीक है जी। तो हमारा 9.5 आया था, तो हम 38 साइज में 2 इंच ऐड कर लेंगे, 11.5 इंच पे हम यहाँ मार्क कर लेंगे। तो यहाँ 2 इंचेस काफी रहेगा 38 के लिए, राइट। आगे जैसे बढ़ते जाएंगे ये मार्जिन भी बढ़ता जाएगा कि हमने इससे कितना लेना है। जैसे चलिए इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे ऐसे, राइट। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये 10.5 ही होना चाहिए हमारा, सॉरी 10.5 जो है हमारा वो यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ मिलाएंगे इसको और ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पर हमने क्रॉच की यहाँ जो विथ लगानी है हम उसको देखेंगे। अब यहाँ थाई के मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, हमने थाई मेजरमेंट लिया था ना, थाई हमारा 21 था 21 हमारा थाई का मेजरमेंट था। अब क्या है कि थाई की इसलिए हम लगाते हैं, अलग अलग पर्सन जो है उनके डिपेंड करती है, कई बार थाई ज्यादा होती है, तो अब ये जो है ये पोर्शन फिर हमारा कम हो जाता है विथ में। अब देखिए हमारी थाई कितनी थी, 21, हाफ आया कितना, 10.5, 10.5 आया, तो ये 10.5 हमारा पूरा आ रहा है, तो हमें यहाँ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर थाई मेजरमेंट ज्यादा है तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे, राइट। तो ये लाइन सीधी ना रहकर तिरछी जाएगी इस तरफ, और यहाँ आपने ध्यान देना है कि ये लाइन कभी भी आपकी इस तरफ नहीं होनी चाहिए, ये आपकी ऐसे आ रही है अंदर की साइड। उससे क्या होगा, हमारा ये जो आसन है वो खींचेगा और सिलाइयाँ फट सकती हैं, इवन कपड़ा भी फट सकता है जब हम उठते बैठते हैं सिलाई के बाद। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे हमने कितना एक्स्ट्रा लेना है, ये हमारा भी जो है हिप साइज पर ही डिपेंड करता है कितना लेना है। अब क्योंकि हम 38 बना रहे हैं, तो 38 के लिए अगर हम 2 इंचेस ले लेंगे तो हमारा काफी रहेगा, तो यहाँ से हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ से हम गोलाई देंगे। अब गोलाई कैसे देनी है, गोलाई आपने कभी भी इस कॉर्नर के साथ बिल्कुल मिला के नहीं देनी है, या तो आप एक कर्व आता है फ्रेंच कर्व उससे दे सकते हो अगर आप बिगनर हो, नहीं तो आप ये भी ध्यान दे सकते हो कि यहाँ से ये कॉर्नर से कम 1.5 इंच तो ये हो, ठीक है जी। तो बिल्कुल मिलाना नहीं है, 1.5 इंच ऊपर से ही इसको ऐसे करते हुए आपने, अब यहाँ ऊपर कितना ले जाना है, ऊपर आप उतना ही ले जाइए जितना यहाँ है, इससे ज्यादा इसे कम तो नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो जैसे ये 2 इंच इसके आसपास थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे चलेगा, बट उससे ज्यादा नहीं। तो ये हमारी आ गई, अब ये निशान भी हमारा लग गया है। अब इसके बाद हमने नीचे के मार्किंग के लिए क्या करना है, ये जो पोर्शन है इसको यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है कि ये कितना है, ठीक है। तो यहीं से उठाएंगे और हम इसका हाफ, उसके लिए करने की जरूरत नहीं है डिवाइड, ऐसे करो और हाफ लगा दो यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ हाफ लगाना जरूरी है। उसके साथ साथ हमें यहाँ पर ये मार्किंग भी जरूरी करनी है, ये हमारा था 11.5, तो इसको हमने यहाँ स्ट्रेट कर देना है, ये भी हमें आगे काम आएगा, ठीक है जी। अब ये हाफ जो है नीचे तक लगाना है हमने, उससे पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे यहाँ से, ये जो हमने मार्किंग की है ना यहाँ से लंबाई नापेंगे, लंबाई हमारी है जी इसकी 33। थोड़ा और आगे भी हम मार्क कर लेंगे ऐसे, और इसको हम इस स्ट्रेट कर देंगे, और यही तो हमारी आएगी स्टिचिंग फाइनल। उसके नीचे हम जो है फोल्ड के लिए भी ले लेंगे। अब फोल्ड के लिए आपकी मर्जी है कि आप अगर पतला फोल्ड करना चाहते हैं 1 इंच ले लीजिए, ज्यादा करना चाहते हैं तो आजकल जो है ब्रॉड फोल्ड करते हैं क्योंकि अच्छा लगता है वो देखने में, तो मैं इसमें 2 इंचेस ले रही हूँ, 2 इंचेस भी अच्छा लगता है, तो इसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे लाइन को। अब हमने ये जो हाफ लिया था ना, इसको नीचे तक हमने हाफ ऐसे ही मार्क कर लेना है। यहाँ पर भी अब ये देखिए 6.25 आ रहा है ये, यानी कि 6.25, तो ये नीचे भी मार्क कर लेंगे हम मोरी की तरफ ऐसे, और सेंटर में भी इसको मार्क कर लेंगे, मतलब पूरा नीचे तक हम इसका सेंटर मार्क लगा लेंगे इस तरह से, और इसको नीचे तक ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ये अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हम ये ही सेंटर क्यों ले रहे हैं, हमने यहाँ से क्यों नहीं सेंटर लिया है, ये सेंटर हमने इसलिए यहाँ से नहीं लिया है, जितना आप इस तरफ सेंटर लाते जाएंगे, क्योंकि तो ये पैंट है, देखिए ट्राउजर है, ये कोई सलवार नहीं है या पजामा नहीं है, ठीक है। इसकी पैंट जो होती है हमेशा ये जो हम जितना भी क्राउच लेते हैं इसके सेंटर से इसकी मोरी जाती है, अगर आप इस कॉर्नर पर ले लेंगे तो सलवार बन जाएगी या वो पजामे वाला स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से सेंटर लेते हैं इसका। अब फ्रेंड्स नी की जो मार्किंग करेंगे हम, वो हम यहाँ से इस पॉइंट से लेकर नीचे तक फुल लेंथ को लेंगे। ये तो हमारी हाई एंकल बनाई है ना हमने, 33 लिया है,
लेकिन फुल लेंथ का लेते हैं हम हाफ, तो ये इनकी 35 फुल लेंथ आती है, तो उसका हम हाफ करेंगे ऐसे इंची टेप को फोल्ड करते हुए और मार्क कर लेंगे। तो इनका जैसे आएगा 17.5 तक, तो ये हाइट के अकॉर्डिंग आता है, कभी 19 भी कभी 18 भी आता है। अब जो हमारी नी है 17, उसका हाफ ले लेंगे ऐसे फोल्ड करके, तो जहाँ पर भी सेंटर आया है सेंटर वाली लाइन पर रखते हुए हम ऐसे 8.5 मार्क कर लेंगे और इसको स्ट्रेट कर देंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई। इसके बाद जो है हमारी मोरी की मार्किंग, मोरी 7 है, सेम 7 का हाफ हो गया 3.5, तो ये सेंटर मार्किंग की थी ना उस पर 3.5 रख के हम ऐसे मार्क कर लेंगे। अब हमने जो है ये हमारी साइड में जो मार्किंग है ये करनी है। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी शेपर पट्टी की, जो कि ये वाला स्केल होता है, तो अगर आप बिगनर्स हैं तो ये आपके पास होनी चाहिए। अब इसको कैसे यूज़ करना है, अब ये जो हम ज़्यादा कर्व वाली साइड देख रहे हैं ना, इसको हमने इस तरह से रखना है कॉर्नर पे मिला के, जो हमारी क्राउच वाला कॉर्नर है ना, ऐसे बिल्कुल जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे साथ साथ इसके जो है हमने मार्क करते हुए चले जाना है। तो ऐसे रखना है बिल्कुल, और हमने अपनी मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा क्राउच की मतलब जो अंदर वाली आसन की साइड होती है ये उसके लिए है। अब बाहर की साइड कैसे लगाना है, अब ऐसे रखा था ना, इसको पलट देना है इस तरह से। अब क्या है कि कुछ इस तरफ से भी मार्किंग लगाते हैं, लेकिन ये जो है ये बहुत ही जो स्लिम फिट की तरह होती है ना नैरो वाली मोरी के साथ, तो उसमें सही रहती है। बट ये जो है मोरी भी हमारी 7 है, थोड़ी खुली है, तो हम यहाँ से मार्किंग करेंगे इसकी। ठीक है जी, ऐसे मार्किंग कर दी हमने। अब ये जो है हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कॉर्नर पर ध्यान देना है हमने, ये बिल्कुल कोना सा निकल गया यहाँ पर। अब हम ऐसे स्टिच करेंगे तो ये तो नहीं अच्छा लगेगा। इसको क्या करना है, हमने एक बार शेप दे देनी है हल्का सा ना, चौक से वो कॉर्नर निकालते हुए ऊपर की तरफ हमने ऐसे मिला देना है, बस इसमें ऐसे करना है। अब कुछ बात ध्यान देने वाली है नीचे मोरी में और ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम सेंटर ऐसे लेते हैं, तो नीचे क्या है कुछ लोग क्या करते हैं कि साइड से ना जो मोरी है ऐसे पूरा यहाँ से ले लिया, सेंटर ना ले के यहीं से मार्क कर लिया मोरी को, जैसे 7 है मार्क किया और यहाँ से इस तरीके से मार्किंग कर ली अंदर की, तो ये गलत है, ये पैंट की शेप नहीं है, ये पजामा या बार की तरह हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि ये जो हमारी अगर आप ऐसे कर तो ये किनारी नीचे लटकती है और यहाँ से ऊपर उठता है हमारा पोंछा, कईयों को आपने देखा होगा इस तरह से पोंछा उठते हुए। और इस पोंछे उठने का कारण एक और भी होता है, यहाँ से आपने जो ये लिया ज़्यादा ले लिया या कम ले लिया, या फिर ये जो राउंड है अंदर की तरफ ज़्यादा गहराई में कर दिया, उस वजह से भी हमारा पोंछा जो है वो नीचे से उठता है अंदर की सिलाई की तरफ। तो ये आपने कभी भी जो है मिलाते हुए कॉर्नर से नहीं लेना है, डीप 1 इंच ऊपर ही लेना है सवा। इसी पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, फ्रंट पोर्शन की मैंने कटिंग कर ली है और मैंने बैक पोर्शन के लिए देखिए 2 टाइम्स फोल्ड करके इसको उसके ऊपर रख लिया है। और ध्यान दीजिए, ये वाली मैंने कटिंग अभी नहीं की है, ये देखिए इसकी अभी नहीं की है, कर भी सकते हैं पहले, बट जैसे जो बिगनर्स हैं वो अगर ऐसे करें तो उन्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये थी क्योंकि फिर उसके बाद अगर आप ये कटिंग कर लो उसके बाद फिर एडजस्ट करते रहोगे ये कहाँ था इधर था, या फिर आपको ये चीज़ नापनी पड़ेगी ये कितनी थी, उसके बाद यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा नीचे वाले कपड़े पर, तो इसलिए मैंने इसको भी कट नहीं किया है, मार्किंग कर लेते हैं उसके बाद इसको हम इकट्ठा ही कट कर लेंगे। अब क्योंकि जो बैक साइड है उसमें जो चेंजेस होते हैं इस तरफ कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको भी कट नहीं किया, ये इकट्ठा ही कट कर लेंगे। तो यहाँ कोई भी चेंज नहीं होना है, जो भी चेंज होना है वो इस तरफ होना है, मतलब जो हमारा आसन वाली साइड होती है इस तरफ चेंज होना होता है। और दूसरा, ये जो बैक पोर्शन है इसको मैंने ये देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा करके बिछाया है, ये देखिए ये क्यों बिछाया है, जो हमारी बैक साइड होती है हमारी फ्रंट साइड से एक्स्ट्रा ही कटती है ऊपर लेंथ में, क्यों कटती है, अब जो हमारा बैक पोर्शन होता है जब हम बैठते हैं, कभी आप ध्यान दें जीन्स पहनी है सलवार भी पहनी है अगर पैंट वगैरह कुछ पहनी है, तो बैक जब बैठते हैं हम बैक पोर्शन हमारा नीचे की तरफ खिसकता है ना, तो उसी वजह से उस चीज़ को हमने कवर करने के लिए वो बैलेंस रहे तो हम बैक पोर्शन जो है उसको 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है जी, एक्स्ट्रा बिछा दिया इसको। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से एक तो ये जो आसन है यहाँ से हमने जितना ये बढ़ाया था ना 2 इंचेस किया था हमने, 2 इंचेस ही हमने यहाँ से इसको आगे कर देना है और मार्क लगा लेना है। ठीक है जी, ये 2 था, यहाँ से एक तो 2 इंचेस करेंगे ऐसे बढ़ाएंगे और ये मार्क लगा लेंगे, एंड हमने इस पोर्शन को पहले तो स्ट्रेट कर लेना है इसके साथ। ठीक है जी, इसको स्ट्रेट कर लिया। अब ये जो है यहाँ पे एक तो हमारा वही हम 1 इंच के आसपास ऊपर 1.25 इंच ऊपर लेंगे और हम यहाँ से कर्व लगाएंगे इसका, ये हो गया।
जो हमने ऊपर लिया है इसको भी हम ऊपर तक कर लेते हैं। ये हमने ऐसे कर लिया। अब देखिए क्या क्या चेंज होना है। ये इतना ही रहेगा, 2 इंच बढ़ा दिया, 2 इंच ही हम इसको नीचे तक बढ़ाएंगे। अब ये जो है, जैसे अगर हमारा बड़ा साइज है, 44 हो गया, 40 हो गया, उस केसेस में हम इसको 2.5 इंच भी ले लेते हैं। तो 2.5 इंच यहाँ होगा, 2.5 इंच ही इधर बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जो नीचे है ना, नीचे 2.5 2.5 इंच नहीं बढ़ाना है यहाँ, फिर वही 2 इंच के आसपास ही बढ़ाना है अगर आप बड़ा साइज बनाते हो। तो चलिए अब हम यहाँ 2 2 इंच पे थोड़ा मार्क लगा लेते हैं नीचे। ये हमारे मार्क लग गए हैं। अब यहाँ इस पहले हम इसको मिला लेते हैं इसी शेपर पट्टी से। आप इसको यहाँ पर नीचे तक मिला लीजिए। ये कॉर्नर रखा हमने यहाँ, चलिए ये हमारा मार्क लग गया। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा चेंज होता है। पहली बात, जो हमारा फ्रंट पोर्शन है आसन की तरफ, यहाँ जो आसन की तरफ है, इस पोर्शन से नीचे हम थोड़ा मार्क करते हैं, 1 इंच के अराउंड नीचे मार्क करना है और इस पोर्शन से मिला देना है, जो बाहर का पोर्शन है ना, ऐसे इसको हम डाउन करते हैं फ्रंट पोर्शन को 1 इंच के अराउंड। और जो बैक पोर्शन लिया है, जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, उसको हम यहाँ से यूं तिरछा इस कॉर्नर पर मिलाएंगे। ये जो चारों पोर्शन है ये एक बराबर रहेंगे, ऐसे बराबर रहेंगे, और जो आसन की साइड है बैक पोर्शन 2 इंच ऊपर रहेगा, ये 1 इंच नीचे जाएगा। ये जो है ये भी साइज के अकॉर्डिंग होता है। आप और बड़े साइज में जाएंगे तो आपको 2.5 इंच भी लेना पड़ सकता है, बहुत ही ज़्यादा हैवी है तो 3 इंच भी ये हम ऊपर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये साइज के अकॉर्डिंग होता है। तो ये इसको हमने मिलाना है इधर वाली साइड, इसलिए हमने ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, ठीक है जी। ऐसे अब ये ऐसे कटिंग होगी और इसकी ऐसे कटिंग होगी। अब ये मार्किंग हमारी पूरी रेडी है, ये पूरा हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए फाइनल कटिंग हमारी इसकी हो गई है। ये एजेस बराबर रहेंगे बाहर वाले, ये नीचे रहेगा 1 इंच, ये एक्स्ट्रा, और ये जो कॉर्नर सा निकला हुआ है ना, इसको हम हल्का सा बस सीधा कर देंगे कि हमें स्टिचिंग में आसानी रहे, बहुत हल्का सा। ये देखिए ये स्टिच सा कर दिया। अब हम फ्रेंड्स की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, और स्टिचिंग स्टार्ट करने का सिंपल तरीका, सबसे पहले ये देखिए दोनों पल्ले फ्रंट के जुड़े हुए, ये भी जुड़े हुए, ऐसे इनको उठाना है और ऐसे ही हमने इसकी सबसे पहले तो आसन की सिलाई लगानी है। 1/2 इंच मार्जिन देके सिलाई लगा देनी है और इसकी भी सिलाई लगा देनी है। तो कभी भी आपका जो है पल्ले इधर उधर नहीं लगेंगे। जैसे जैसे कटिंग की है ना, फ्रंट की फ्रंट में सिलाई लगा दो और बैक पोर्शन की बैक बैक में सिलाई लगा दो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स सिलाई लग गई है बैक साइड, ये फ्रंट साइड दोनों की लग गई है। ये देखिए बैक साइड को अब हम ऐसे ओपन कर लेंगे। ओपन करके ये बैक साइड की सीधी साइड हो गई और फ्रंट पोर्शन की भी सीधी साइड फेस करते हुए हमने ऐसे रख देनी है। और इसकी जो बाहर की साइड है ना, इनको मिला लेना है ऐसे, और यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देना है। इसको करना है, साथ ही दूसरी साइड को भी इसी तरीके से हम स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। तो ये देखिए अब मैंने स्टिच कर लिया है, इधर की भी सिलाई लग गई है और इधर की दोनों साइड की सिलाई हमारी लग गई है। अब जो है हम इसके पोंचे रेडी करेंगे, यानी कि मोरी। मोरी के लिए हमने ये जो 2 इंचेस का मार्जिन लिया था ना, पूरे में हमने मार्क लगा लेना है ऐसे फोल्ड करके ना, और हम इसको डबल फोल्ड करेंगे, छोटा फोल्ड अंदर का ये वाला लगा के, और हम इसमें स्टिच कर लेंगे। आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं पहले स्टिच करने से। तो ये देखिए स्टिचिंग कर ली है मैंने, दोनों ही ये मोरी हमारी रेडी हैं। अब हमने इसकी जो है सेंटर की सिलाई करनी है, जिसके लिए आप ऐसे मिलाकर रखेंगे। आप दो तरीके से लगा सकते हैं, जो सेंटर है यहाँ से हम पिन भी लगा सकते हैं, आप पिन लगाकर और यहाँ से शुरू कर लीजिए स्टिचिंग। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि स्टिच यहाँ से नहीं शुरू करना, तो फिर आप यहाँ सेंटर से शुरू करो स्टिच। ये जो हमारी सेंटर आसन की सिलाई है ना, वहाँ से सिलाई करके एक तरफ की स्टिच लगा लो यहाँ से, और फिर दूसरी तरफ स्टिच लगा लो अगर बराबर आपको करने में दिक्कत आती है तो। ये देखिए मैंने स्टिचिंग कर ली है इसकी, और फ्रेंड ये जो सेंटर की स्टिच है और ये जो हमारा क्राउच है, ये ठीक से हमारा कट हुआ है कि नहीं, वो ऐसे पता चलता है कि जब हम इसको ऐसे पकड़ते हैं ना यूँ, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। जैसे ये स्ट्रेट आ रही है ना, बिल्कुल ऐसे आनी चाहिए, दैट मीन्स हमारी कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल ठीक हुई है। अब ये हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे, उसके लिए मैंने ये 2 2 इंचेस का जो मार्जिन दिया था उसको फोल्ड कर लिया है, इस तरीके से प्रेस कर लिया है। अब इसके अंदर हम जो इलास्टिक लगाएंगे, ये मैंने कट कर ली है, 34 वेस्ट के लिए 4 इंचेस लेस करके 30 इंचेस ले ली है, और ये इसको ज्वाइन कर लिया है एक के ऊपर एक ओवरलैप करके।
अब हम क्या करेंगे, ऐसे अंदर रखेंगे इसको इलास्टिक को ऐसे, और जो हमने 2 इंचेस का मार्क लगाया था उसके साथ मिलाते हुए ऐसे और नीचे 1/2 इंच फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, बैक साइड से स्टार्ट करती हूँ मैं हमेशा। हमने उस मार्क के साथ इलास्टिक को रखा, 1/2 इंच का फोल्ड इस तरफ से किया और ऐसे स्टिच लगा देंगे। इसी तरह से हम पूरे में स्टिच करते हुए चले जाएंगे और जब हमारा ऐसे एंड आएगा तो हमने इलास्टिक ऐसे खींच लेनी है और कपड़े को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करते हुए हमें ऐसे इसको कंप्लीट कर लेना है और एंड में अगर थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा आता है तो उसको छोटा सा फोल्ड कर दीजिए, जैसे मेरे पे आया है, बिल्कुल छोटा सा ही फोल्ड हो रहा है। अब हमने इलास्टिक को ऐसे एडजस्ट कर लेना और एक सेंटर में भी स्टिच लगा देना ताकि इलास्टिक इधर उधर ना मुड़े। तो पैंट हमारी रेडी है जी, कैसी लगी आपको कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।